मुझे आशा है कि तुम सबके यहाँ आने का कोई कारण होगा। कोई शुभ समाचार? जी महाराज, एक शुभ समाचार है। आप एक पग आगे हो चुके हैं। कृष्ण का वध करने की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए। अक्रूर, बताओ महाराज को क्या शुभ समाचार है। महाराज, अरिष्टासुर वृंदावन पहुंच चुका है कृष्ण का वध करने के लिए। अब उसका वास भी कृष्ण के घर में है। ये तो सत्य में बहुत शुभ समाचार है। अब अरिष्टासुर को उस कृष्ण को मारने के लिए बहुत सारे अवसर मिलेंगे और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। तो ये है अक्रूर की योजना। अरिष्टासुर को कृष्ण के घर में भेजा है, उसका रूप उसकी ढाल है, क्योंकि कृष्ण तो गौवंश को कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के मन को अपनी बातों से परिवर्तित कर लेने की कला जानते हो ना तुम? फिर बाबा को क्यों नहीं समझाया तुमने, कहा ना? और तो और, जब मैं समझाने का प्रयास कर रहा था तो तुमने मेरा साथ तक नहीं दिया, क्यों? शांत हो जाइए दाओ। कैसे शांत हो जाऊं कान्हा? एक असुर हमारे घर में विराजमान है और ये कोई साधारण असुर नहीं है, कंस मामा का भेजा हुआ असुर है, जिसका एकमात्र लक्ष्य तुम्हारी मृत्यु है। और यही बात जब मैं बाबा को समझा रहा हूँ तो बाबा मेरी बात समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे। सर्वप्रथम आप स्वयं से एक प्रश्न पूछिए था, आपका ये क्रोध अरिष्टासुर के प्रति है या सत्य में इस कारण से है क्योंकि मेरे प्राण संकट में है? अरे चिंता है मुझे कान्हा, इसीलिए। तुम तो समझो कम से कम। समझता हूँ, यही होता है। आप मुझसे इतना प्रेम करते हो कि जब भी मुझ पर थोड़ा भी संकट क्यों ना आ जाए वो आपके क्रोध का रूप ले लेता है। यही बात बाबा के साथ भी है। आप जानते हैं बाबा गोवंश से कितना प्रेम करते हैं, कितना सम्मान करते हैं उस बात का। और आप यदि उनसे कहोगे कि अरिष्टासुर को इस गांव से बाहर निकाल दो, जो उनकी दृष्टि में मात्र एक साधारण सा बैल है, तो उनका क्रोध भी आप पर बरस पड़ा। समझे? अस्ति, मैं तुमसे भी उतने ही प्रसन्न हूँ जितना मैं अक्रूर से हूँ। तुमने ही मुझसे विनती की थी कि मैं ये हवन करूँ, और अब मुझे लगता है कि मुझे इसी हवन का पुण्य मिल रहा है। आर्य, मैंने आपको हवन करने के लिए इसलिए कहा था ताकि आपका क्रोध और मन शांत हो। वही तो है अस्ति, उस कृष्ण की मृत्यु से मेरा मन और मेरा क्रोध दोनों शांत हो जाएगा, क्योंकि मेरे इस हवन के पश्चात सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस कृष्ण का वध होकर ही रहेगा। जब मेरा परम शत्रु मर चुका होगा तो मैं तुम पर सर्ण और हीरो की वर्षा कर दूंगा। मैं सदैव आपकी प्रेम और प्रशंसा की याचना करती रही आर्य, किंतु ये प्रेम कृष्ण के जीवन से अधिक अमूल्य नहीं? हे प्रभु, कृष्ण की रक्षा करना। किसी भी प्रकार से बाबा को समझाना तो होगा ना कान्हा, अन्यथा बहुत बड़ा संकट आ सकता है तुम पर, हमारे परिवार पर, कौन जाने पूरे वृंदावन पर। तो हमारी चुनौती केवल यह नहीं है कि हमें बाबा को समझाना है, हमें समस्त वृंदावन वासियों को समझाना है। मैया, बाबा, राधा के माँ बाबा, ये सभी उसे बैल ही समझते हैं। बिना तर्क के यदि ये बात उन्हें समझाने जाएंगे तो वो हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। तुम वैसे भी सभी महाराज कंस को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अब हम करेंगे क्या? मुझे लगता है इसका उत्तर तो समय ही देगा कि अब हम क्या करेंगे और कब करेंगे। समय का चाहे जो भी निर्णय हो, किंतु यदि कोई असुर आकर मेरे कृष्ण के प्राण संकट में डाले, ऐसा तो मैं कदापि नहीं होने दूंगी ना। तो तुम क्या करने वाली हो राधा? देखो तुम
जो भी करने का सोच रही हो कान्हा और मुझे बताए बिना कोई निर्णय मत लेना। दाऊ, अहिष्टासुर भले ही घर में प्रवेश कर चुका है किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि उसे भी वही प्रेम और सम्मान मिले जो अन्य पशुओं को मिल रहा है। अब तक तो हमारी बना योजना सफल रही। मुझे इस कृष्ण के घर में स्थान भी मिल गया और नंद के वचन अनुसार मुझे कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा। अब इस कृष्ण को मारने का कोई ना कोई मार्ग तो शीघ्र ही ढूंढना होगा मुझे। हम सभी ग्वालों की एक विशेष प्रथा है, हमारे घर आए गौ प्रजाति के किसी भी नए सदस्य का पहला भोग अति विशेष होता है। हम उन्हें वो आहार खिलाते हैं जो विशेषकर उनके लिए बना है और वो भी स्वयं अपने हाथों से। तो चलो इस प्रथा को आरंभ करते हैं। बेचारी यशोदा मैया ये भी नहीं जानती कि वो अपने हाथों से उसे भोजन खिलाने जा रही है जो उन्हीं के पुत्र को मारने यहाँ आया है। खिलाओ खिलाओ यशोदा मैया, हम भी तो स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। रुकिए मैया। राधा, मैं भी इनकी सेवा करना चाहती हूँ, क्या ये उचित होगा कि आज ये विशेष प्रथा मैं स्वयं करूँ? सखियों, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? हमें क्या आपत्ति हो सकती है, हमें तो लगता है कि यदि आपके हाथों से गौ सेवा होगी तो अत्यंत अच्छा होगा। यदि तुम सबका यही मन है तो ठीक। राधा, हमारे नए अतिथियों की सेवा तुम ही करो। आप चिंता मत कीजिए मैया, मैं इनको अच्छे से भोग खिलाऊंगी। चलो कीर्तिदा। आशा है आप सब मेरे हाथों का भोग स्वीकार करेंगे। चलो, कृष्ण चाहे जितना भी चतुर क्यों न हो, ये राधा तो मूर्ख है, स्वयं मेरी सेवा करने चली आई। मूर्ख राधा नहीं, तुम हो अरिष्ठासुर। तुम्हारे साथ यहाँ वही होगा जिसके तुम योग्य हो।